वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे चैनल बी यूनिक टॉक्स पर। यहां पर आज मैं बात करूंगा, देखिए डीडी स्पोर्ट्स कैसे दूरदर्शन ने अपना डीडी स्पोर्ट्स का चैनल लॉन्च किया, क्या क्या वजह रही है डीडी स्पोर्ट्स चैनल को लॉन्च करने की, और कुछ चैनल किस चैनल को रिप्लेस करके जो है डीडी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया गया, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो करना बनता है लाइक, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कर लेते हैं मैं स्टार्ट। तो यहां पर मैं आज बात करने जा रहा हूं जो दूरदर्शन का स्पोर्ट चैनल है डीडी स्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, एक फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल है, कह सकते हैं कि दूरदर्शन का एक फ्री टू एयर चैनल आपको डीडी फ्री डिश पर देखने को मिल रहा है। कैसे यह चैनल लॉन्च हुआ तो मैं बताना चाहूंगा कि कैसे यह चैनल लॉन्च हुआ। एक जैसे कि अभी आपको डीडी रेट्रो चैनल मिल रहा है, डीडी अनुप्रभा, मतलब किसी दूसरे चैनल को रिप्लेस नहीं किया गया है, यहां पर प्रॉपरली ये चैनल लॉन्च किए गए हैं, लेकिन डीडी स्पोर्ट की चैनल को रिप्लेस करके लॉन्च किया गया था। कौन सा वो चैनल है तो मैं बताना चाहूंगा, डीडी थ्री। आपने नाम भी सुना होगा, डीडी थ्री चैनल हुआ करता था, डीडी वन, डीडी टू भी हुआ करता था, डीडी मेट्रो, और एक डीडी थ्री चैनल भी हुआ करता था। 1994 में ये चैनल लॉन्च किया गया था दूरदर्शन की तरफ से। ठीक है दोस्तों, 1994 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल्स की, मतलब जो टॉकिंग वगैरह कुछ इस तरह के शोज वगैरह डीडी थ्री पर दिखाए जाते थे। उसके बाद 1995 में भी, शायद अप्रैल 1995 में, एक डीडी मूवी क्लब, एक मूवीज का चैनल डीडी नेशनल दूरदर्शन की तरफ से एक मूवीज का चैनल भी लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, डीडी मूवी क्लब के नाम से 1995 में ये चैनल चलता रहा। यहाँ पर मूवीज दिखाते रहे, एक अच्छा चैनल लॉन्च किया गया था दूरदर्शन की तरफ से मूवीज को देखते हुए। ये चैनल जो है, कह सकते हैं कि सबसे पहला ही चैनल रहा होगा जो एक मूवी का चैनल लॉन्च हुआ था। इसके ये जी नेटवर्क का जो जी सिनेमा लॉन्च किया गया था, वो भी 1995 में ही लॉन्च किया गया था। इससे दो दिन पहले ही जो है इस चैनल को लॉन्च कर दिया गया था। तो डीडी मूवी क्लब चैनल लॉन्च किया था, और लगभग ये एक डेढ़ साल तक जो है चलाता रहा दूरदर्शन। लेकिन दूरदर्शन को लगा कि इसे रिवेन्यू बिल्कुल डाउन जा रहा है, इस चैनल से ये चैनल ग्रोथ नहीं कर पाया, रिवेन्यू जो है यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दे पाया डीडी मूवी क्लब, और इनका एक ऐसा ही चैनल 1994 में लॉन्च किया गया था डीडी थ्री, उससे भी रेवेन्यू अच्छा खासा नहीं आ रहा था दूरदर्शन को। तो दूरदर्शन ने 1996 में क्या किया, इन दोनों चैनल्स को कर दिया मर्ज। तो नवंबर 1996 के अंदर, कह सकते हैं कि अप्रैल 1995 से लेकर नवंबर 1996 तक डीडी मूवी क्लब और डीडी थ्री अलग अलग ही चलते रहे। डीडी मूवीज का प्रॉपरली जो चैनल था वो भी लगभग एक डेढ़ साल, कह सकते हैं कि अप्रैल 1995 से 1996 तक, नवंबर 1996 तक चलता रहा। दूरदर्शन को लगा कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो नवंबर 1996 में इन्होंने डीडी थ्री, इन दोनों चैनल से रेवेन्यू नहीं आ रहा था, तो डीडी थ्री और डीडी मूवी क्लब को मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया डीडी थ्री मूवी क्लब के नाम से। जी हाँ, डीडी थ्री मूवी क्लब चैनल को नाम दे दिया गया 1996 में, नवंबर 1996 में डीडी थ्री मूवी क्लब चैनल लॉन्च किया गया, मूवीज ही इस पर दिखाई गई। लेकिन दूरदर्शन को इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ डीडी थ्री मूवी क्लब चैनल को मर्ज करने से भी, क्योंकि जब दोनों चैनल ही फ्लॉप जा रहे थे, डीडी थ्री भी और डीडी मूवी क्लब भी, तो डीडी थ्री मूवी क्लब चैनल को मर्ज करने से भी क्या फायदा होने वाला था दूरदर्शन को। ये चैनल फ्लॉप जा रहा था। 1996 से 1998 तक दूरदर्शन ने वेट किया, रेवेन्यू को देखते रहे, और ये चैनल कह सकते हैं कि फ्लॉप ही हो गया 98 तक, डीडी थ्री मूवी क्लब भी, और इसको बिल्कुल ही क्लोज कर दिया गया दूरदर्शन की तरफ से। 1998 में डीडी थ्री मूवी क्लब खत्म करने के बाद, एंड करने के बाद, वहां पर उस चैनल की जगह कह सकते हैं लॉन्च कर दिया गया यहां पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल। जी हाँ, सिर्फ यही हिस्ट्री है डीडी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च होने की। अब आता हूं मैं डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर। 1998 में डीडी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया गया दूरदर्शन की तरफ से डीडी थ्री मूवी क्लब चैनल को बंद करने के बाद। स्टार्टिंग में जो है ये एक लो फ्रिक्वेंसी पर ही काम करता था, तो यहां पर सिर्फ जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम थे सिर्फ 6 घंटे के लिए दिखाए जाते थे। उसके बाद इसको 1999 से अगले साल से जो है 6 घंटे के बजाय जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम थे इस चैनल पर कर दिए गए 12 घंटे तक, 12 घंटे तक प्रसारित किए जाने लगे डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर। ठीक है जी,
और उसको उसके बाद अगले साल 2000 में, 2000 में इसको कह सकते हैं कि एक राउंड एक क्लॉक चैनल बना दिया गया, पूरा कंप्लीटली चैनल बना दिया गया, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी पर कह सकते हैं हाई मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी पर इसको लॉन्च कर दिया गया और इसको फ्री टू एयर चैनल की बजाय इसको कर दिया गया दूरदर्शन का एक पेड चैनल, एनक्रिप्टेड कर दिया गया चैनल को 2000 में, और ये लगातार 3 साल एनक्रिप्ट रहा। जी हाँ, आप लोगों को अगर नहीं पता है, डीडी स्पोर्ट भी किसी टाइम में एक पेड चैनल रहा है जो अभी आपको फ्री टू एयर देखने को मिल रहा है। तो ये 2000 से लेकर 2003 तक दूरदर्शन की तरफ से पेड ही रहा है, एनक्रिप्टेड ही रहा है, ये फ्री टू एयर आपको देखने को नहीं मिलता था। बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी और इसके अलावा ओलंपिक गेम्स वगैरह और जो भी इंडिया के इंडिया सीरीज, इंडिया के जो मैचेस होते थे, वो सभी आपको डीडी स्पोर्ट पर देखने को मिलते थे और अभी भी मिल ही रहे हैं फ्री टू एयर होने के बाद भी। तो ये 2003 में इस चैनल को फ्री टू एयर किया गया था और 2003 के बाद से अब तक प्रेजेंट में भी ये चैनल फ्री टू एयर देखने को मिलता है आपको डीडी फ्रीडिश या सी बैंड सैटेलाइट या किसी भी डीटीएच ऑपरेटर पर फ्री टू एयर ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, और अब इस पर कह सकते हैं आप सभी तरह के ओलंपिक गेम्स, लाइव प्रोग्राम्स, अगर आप डीडी फ्रीडिश यूजर हैं, डीडी फ्रीडिश यूज कर रहे हैं, तो जो इंडिया के मैचेस हैं कहीं पर भी किसी भी कंट्री में दिखाए जा रहे हैं, तो इंडिया के मैचेस लाइव आप डीडी स्पोर्ट पर, डीडी फ्रीडिश पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स के जरिए। तो कह सकते हैं कि दूरदर्शन का डीडी स्पोर्ट चैनल बहुत ही अच्छा है, सिर्फ एक यही फ्री टू एयर चैनल है जो दूरदर्शन की तरफ से चलाया जा रहा है, अन्यथा तो सारे पेड चैनल कह सकते हैं स्पोर्ट्स के पेड ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यही हिस्ट्री रही है डीडी स्पोर्ट्स चैनल को लेकर कि कैसे डीडी 3 मूवी क्लब से डीडी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया गया। तो मेरे द्वारा ये जानकारी अच्छी लगी है, मेरे द्वारा दूरदर्शन डीडी फ्रीडिश से जुड़ी हर एक जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और ये अगर ये भी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, एक लाइक आपको स्पोर्ट्स बनता है, स्पोर्ट होती है आपके द्वारा दी गई मेरे चैनल को। सो ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को देखना, लाइक करना जरूर बनता है। सो धन्यवाद।